नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के लिए रेलवे की जो वैकेंसी है उसका पूरा कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है। कैलेंडर कहने का मतलब यह है कि रेलवे में जब भी जो भी वैकेंसीज होंगी उसके लिए ऑलरेडी पूरे साल का जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इस पूरे साल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और इस पूरे साल में कब कब एग्जाम होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में जो है अपडेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कैलेंडर के बारे में जो है दिखाऊंगा और पूरा कैलेंडर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या जो है नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। क्योंकि आपको भी पता है कि भैया रेलवे को लेके अभी बहुत सारे जो है इधर उधर धरने प्रदर्शन जो है चल रहे हैं, बट अभी भी रेलवे की तरफ से कोई भी ALP के वैकेंसी को जो है इंक्रीज करने का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बट वैकेंसी तो इंक्रीज नहीं हो रही है, बट इसमें जो है कुछ कुछ नई नई जो है जानकारी हमें मिल रही है। और रेलवे की तरफ से जो है एक सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसमें जो है ये बताया गया है कि जो है कौन कौन से स्टूडेंट और कौन कौन से एग्ज़ाम जो होंगे, कब कब एग्ज़ाम होंगे, इन सब के बारे में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो ज़रा हम लोग आज जो है इस वीडियो में यही जानेंगे और इस वीडियो में जो है हम लोग यही समझने वाले हैं। तो रेलवे की तरफ से जो है वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे भर्ती ने जो है एग्जामिनेशन पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है और कब कब जो एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में जो है हम लोग जानेंगे और उन्हीं के बारे में जो है ये वीडियो आप लोगों को होने वाली है। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भैया ALP वाला जो है अपना वैकेंसीज कि ALP की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है और ALP की जो वैकेंसी है वो कब जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो ALP के लिए बात करेंगे। ALP का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया गया है वो जनवरी में शेड्यूल जारी किया गया है, यानी जनवरी में आपका होगा ALP का एग्ज़ाम, है ना। तो जनवरी में भैया आप लोगों के लिए ALP का जो वैकेंसी है वो आई है। एग्ज़ाम के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, एग्ज़ाम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो चर्चा हो रही है अभी किसके बारे में चल रही है मेरे दोस्त, तो ये जो चर्चा है वो आपका चल रहा है जैन में वैकेंसीज के लिए। तो जैन में जो है ALP की जो है वैकेंसीज वो आई हुई है। अब इन्होंने बोला है कि जनवरी में हम लोग ALP की वैकेंसी करवाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग किसकी वैकेंसी करवाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग वैकेंसी कराने वाले हैं इसका क्या कहते हैं टेक्नीशियन का। तो आपको भी पता है कि टेक्नीशियन के लिए भी जो है वैकेंसीज का जो है इन्होंने वादा किया है और इन्होंने बताया है कि अप्रैल में जो है वो टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी लेके आएंगे। क्योंकि टेक्नीशियन का जो है अपडेट मैंने आपको एक दो दिन पहले दिया था वीडियो बना के कि टेक्नीशियन की भी जो है वैकेंसीज आने वाली है। तो टेक्नीशियन का भी जो है इन्होंने बोला है कि अप्रैल में जो है ये वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में पता चल गया। पहला जो है ALP जो कि जनवरी में रिलीज हो गया था, दूसरा जो है टेक्नीशियन जो कि रिलीज होगा आपका अप्रैल में। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे और अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे जरा NTPC की। तो इन्होंने बोला है कि वो वैकेंसी जो है आपको जून में मिल जाएगी NTPC की, ठीक है। अब NTPC की जो वैकेंसी है आपको जून में देखने को मिल जाएगी। जून में जो है इसकी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। NTPC की जो वैकेंसी होगी वो कब देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, जून में देखने को मिलेगी। तो जनवरी में ALP, अप्रैल में आप लोगों का टेक्नीशियन और जून में जो है आप लोगों को NTPC को देखने को मिलेगा। और साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे कि जब जून में ये चीज़ हो जाएगा तो आपको एक और कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में बताया है अक्टूबर में जो बोला है इन्होंने ग्रुप डी के बारे में कि ग्रुप डी जो होगा वो अक्टूबर में लिया जाएगा, यानी अक्टूबर में जो होगा वो ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया है। आप लोग जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है कि SSC का जो है कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो जाता है, पहले साल में क्या क्या आने वाली है, कब एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा। तो SSC पूरा अपना कैलेंडर जो है जारी कर देता है पहले ही। उसी तरह इन्होंने सोचा है कि हम भी जो है अपना कैलेंडर एक बार जारी कर देते हैं और इतने सारे धरने प्रदर्शन होने के बावजूद जो है इन्होंने ये कैलेंडर जारी किया है और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जनवरी में ALP, अप्रैल में टेक्नीशियन,
जून में जो है एनटीपीसी और अक्टूबर में जो है ग्रुप डी की जो है आप लोगों की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और हमारा जो है मेन मोटिव था कि भैया एएलपी का जो है वो इंक्रीज करने का, कि एएलपी की जो वैकेंसीज है उसको इंक्रीज कब कर रहे हैं, क्योंकि एएलपी के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि एएलपी की जो वैकेंसीज आएगी वो कब इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। बट इन्होंने ये पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है और पूरे कैलेंडर में इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है कि भैया जो भी आपका जनवरी है, जनवरी में आपको एएलपी, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने बोला है अप्रैल के बारे में बात किया था इन्होंने, अप्रैल में जो है इन्होंने बोला है कि हम टेक्नीशियन निकाल देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है जून में, ठीक है, इन्होंने बोला है जून में हम एनटीपीसी कर देंगे और इन्होंने बोला है अक्टूबर में हम लोग ग्रुप डी कर देंगे, है ना, ग्रुप डी की वैकेंसीज लेके आएंगे। तो ये रेलवे की तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं, पता नहीं ये वादे कब जो है वैकेंसीज के बारे में ये वादे जो है किए जा रहे हैं, अभी पता नहीं कब तक ये वादा जो है चलता रहेगा और कब ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि एएलपी का नोटिफिकेशन आया, आपको मिला 5,996 पोस्ट मिले, ठीक है। अप्रैल में टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन भी आ गई है, बट उसमें वैकेंसीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, बट इन्होंने बोला है कि 9,000 के समथिंग जो है टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी। बस अप्रैल वाले में इंतजार ये है कि टेक्नीशियन की 9,000 जो वैकेंसी आएगी उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है भैया जो टेक्नीशियन होते हैं, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का एक साथ आता था, उसमें जो है आईटीआई डिप्लोमा बीटेक और साथ के साथ ट्वेल्थ वाले बच्चे भी कर सकते थे जो पीसीएम से होते थे, है ना। बट अब ये अलग से आ रहा है, तो देखिए इसमें किसको किसको मौका मिल सकता है कि कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है इन सभी के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पूरा कैलेंडर जो है एएलपी के तरफ से जो है जारी कर दिया गया है और एएलपी की तरफ से जो है ये पूरा कैलेंडर जो है आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। तो अपनी अपनी तैयारी में जो है मेरे दोस्त लग जाइए, आप सभी तैयारी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू भी जो है मैं करा दूंगा, ठीक है। मैं शेड्यूल लेके आऊँगा एक आध दो दिन में, हो सकता है तो 10 या 15 तारीख से फरवरी में जो है आप लोगों के लिए शेड्यूल लिया जा दूंगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ्स और साथ के साथ आपको रीजनिंग, है ना, मैथ और रीजनिंग जो है मैं आप लोगों को दोनों की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। टाइम टेबल भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा कि कब कब हमारी क्लासेस होंगी और क्या क्या आप लोगों के लिए वहाँ पे रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।